दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में बताएंगे जो एक बार जमने के बाद आपको पूरी लाइफ अच्छी आमदनी देता रहेगा। आज हम बात करेंगे कील बनाने के बिजनेस के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं, कील हर घर और हर छोटे बड़े काम में इस्तेमाल होती है। वहीं फर्नीचर वगैरह बनाने वाले कारीगर दिन में लाखों कीलों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में इनकी मांग पूरे साल एक जैसी बनी रहती है। इसलिए आज हम जानेंगे कैसे आप अपने घर या मार्केट में एक कमरे में कील बनाने की मशीन लगाकर साल भर अच्छी कमाई कर सकते हैं। साथ ही जानेंगे इस बिजनेस को शुरू करने में कितना खर्चा आएगा और आप इससे कितना मुनाफा कमा सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जगह की आवश्यकता होगी। आप चाहे तो इसे घर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन इसे मार्केट में दुकान किराए पर लेकर शुरू करना बेहतर रहता है। जगह लेने के बाद आपको कील बनाने के लिए मशीन की आवश्यकता होगी। कील मेकिंग मशीन थोड़ी महंगी आती है, किंतु एक बार यदि ये मशीन बैठा ली जाए तो एक लंबे समय तक कील बनाई जा सकती है। यह मशीन पूरी तरह से ऑटोमेटिक होती है, जिसे आसानी से नियंत्रित और नियमित किया जा सकता है। कील का निर्माण मुख्यतः दो तरह की मशीन से होता है, एक में कील बनती है और दूसरे मशीन में ये पॉलिश किया जाता है। दुकान और मशीनों का पूरा सेटअप होने के बाद आपको कील बनाने के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल लेना होगा। इसके लिए काम आने वाली आवश्यक सामग्रियों में नेल वायर है। इसका प्रयोग करके विभिन्न तरह के कील बनाए जाते हैं। ये वायर अलग अलग क्रॉस सेक्शन में पाया जाता है, इसलिए आप अपने द्वारा बनाए जाने वाले कील के अनुसार वायर खरीद सकते हैं। इस वायर को भी आप ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। मशीन और रॉ मटेरियल लेने के बाद बात आती है अब कील बनाने की। तो कील बनाने की मशीन पूरी तरह ऑटोमेटिक होने की वजह से कील बनने की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाती है। मशीन के सामने वायर का डायल इस तरह से सेट किया जाता है कि वह घूमता रहे। वायर का एक हिस्सा कील मेकिंग मशीन में लगा दिया जाता है। मशीन के चलने पर उस वायर से कीलें खुद ब खुद बननी शुरू हो जाती हैं। एक मिनट में कम से कम 250 से लेकर 300 कीलें बन जाती हैं। दोस्तों ये काम पूरी तरह ऑटोमेटिक होता है, इसके लिए आपको ज्यादा मजदूर रखने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक आदमी आराम से इस मशीन की देखरेख कर सकता है। अब बात करते हैं इस बिजनेस को शुरू करने में कुल लागत कितनी आएगी। इसमें उपयोग होने वाले नेल वायर की कीमत 30,000 से लेकर 40,000 प्रति टन है और मशीन सेट की कीमत कम से कम 3 से लेकर 4 लाख तक की होती है। इस तरह ये बिजनेस शुरू करने के लिए कम से कम 5 लाख रुपये की जरूरत होती है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मशीनरी वगैरह सभी कुछ शामिल होता है। 1 किलो कील बनाने के लिए कच्ची सामग्री छोड़ के कम से कम 2 रुपये की लागत पड़ती है। अब कमाई की बात करें तो 8 घंटे रोज मशीन चलाने पर दिन भर में कम से कम 500 से लेकर 600 किलो कीलें बनाई जा सकती हैं। यदि सभी तरह की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मिलाकर देखा जाए तो प्रति किलोग्राम पर 5 से लेकर 6 रुपये का लाभ होता है। इस तरह महीने भर में 60,000 से लेकर 70,000 रुपये तक कमाया जा सकता है। अब सवाल आता है तैयार माल कहाँ बेचे। तो दोस्तों आप इसकी अच्छी पैकेजिंग करके विभिन्न हार्डवेयर दुकानों पर 5 किलो 10 किलो के पैकेट तैयार करके आसानी से बेच सकते हैं। अपने माल को आसपास के शहरों में सभी बड़े और छोटे हार्डवेयर दुकान में शुरू में जरा सस्ते दाम पर बेचना सही रहता है, और थोड़े समय बाद मार्केट पकड़ बन जाने पर पुनः बाजार की कीमत पर अपना प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह आप ये बिजनेस शुरू करके लाइफ टाइम बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। इस बिजनेस के बारे में आपका कोई सवाल हो तो हमें नीचे कमेंट में लिखें।